ना तुम सदमे हमें देते, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बसता, न यूं रुसवाइयां होती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से निस्बत आबाओ अजदाद से है, आबाओ अजदाद तक रहेगी इंशाल्लाह। पार्टी का हिस्सा थे, पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन एक बात होती है कि हर चीज का एक वक्त होता है जब अपनी बात करनी पड़ती है। वो बात यह है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, बोल के लब आजाद हैं, अभी नहीं के कभी नहीं, बोल के लब आजाद हैं। पार्टी के वर्कर जरूर हैं, पार्टी के गुलाम नहीं। हर प्लेटफॉर्म पे लाहौर तक हमने कोशिश की है कि हमारे इलाके को नुमाइंदगी दी जाए, सूबाई सतह पे दी जाए, कौमी सतह पे दी जाए, मखसूस नशिस्तों की सतह पे दी जाए, लेकिन शायद मकामी क़यादत के सामने या जिला रावलपिंडी की क़यादत के सामने या पार्लिमानी बोर्ड के सामने हम अपना मौकफ सही बयान नहीं कर सके, या उन्होंने हमें नजरअंदाज करना अपना वतीरा बनाया हुआ है। हमने अपनी भरपूर वकालत पेश की के हमारी तहसील कलर शहीदा को नुमाइंदगी दी जाए। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम इलाका परस्ती को फरोग दे रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जैसे घर में एक बड़ा भाई होता है, वो अपना बड़ा भाई होने का सबूत देता है, हमेशा अपनी पूरी फैमिली को अपने परों के नीचे रखता है, इसी तरह कलर शहीदा ने हमेशा अपने बड़ेपन का मुजाहरा किया है। उसने तहसील कोटा, तहसील मरी और कोटरी सतियों को अपने परों के नीचे रखा है, और यही कोशिश की है पार्टी ने। जिस किसी को भी टिकट दिया है, हमने अपनी जाती रंजश के बिना पर उनको मायूस नहीं किया, हम पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। और अब वक्त आ गया है कि पार्टी ने हमारे इस जज्बे की कदर नहीं की। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम एक आजाद पैनल की हैसियत से सामने आए हैं, इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों से हमारा राबता है, यहाँ पे रहने वाले सारे हमारे भाई हैं, और जिस जिस किसी का भी नजरिया है वो अपना है। हमारी यही कोशिश होगी कि सब लोगों को साथ लेकर चलें और अपने इलाके की फलाह और बहबूद के लिए काम करें। पार्टी कायदीन से हमें कोई किसी किस्म की इस हद तक तो हमें शिकायत जरूर है कि उन्होंने हमारी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम ये दोनों सीटें जीत कर, अभी भी हम ये नहीं कहते कि हम ये सीटें जीत कर आपको तोहफे में देंगे, हम सीटें जीत कर अपना हक लेना आपसे जानते हैं। हमारे साथ पीटीआई के दोस्त भी चलेंगे हमेशा से। मैं और राजा नदीम साहब, आपको पता है कि इस इलाके में सोशल मीडिया के हवाले से हर लिहाज से एक्टिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इज्जत और एहतराम हमारे मुस्लिम लीग की भाई हमारी करते हैं, इससे ज्यादा पीटीआई के और लब्बैक के दोस्त भी हमारी इज्जत और तारीम करते हैं। हमने हमेशा वोटर की इज्जत नफ्स का ख्याल किया है, हमने कभी अपनी जात को तरजीह नहीं दी, सिर्फ अपनी पार्टी को तरजीह नहीं दी, हमने कोशिश किया कि अपने इलाके को तरजीह दें। जब भी हमें फंड मिले, हमने ये नहीं सोचा कि ये इस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, हमने हमेशा कोशिश की है कि इलाके की पसमानदगी को दूर किया जाए। अगर कोई हमारे खिलाफ दो तीन तीन इलेक्शन लड़ के, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ के, हम भी शेर के निशान पे थे, हमारी भी मुखालफत करके वो पार्टी के टिकट अब हम ले सकते हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी अपनी जाती हैसियत में इलेक्शन में आए, हम अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करें, इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम करें। आपका साथ रहा, आपकी सपोर्ट रही, आपका हमारे साथ दस्ते शफकत रहा, तो इंशाल्लाह ये दोनों सीटें हमारी होंगी, आपकी होंगी इंशाल्लाह। राजा नदीम साहब और
और शौकत भट्टी साहब हर वक्त आपकी पहुंच में होंगे, आपके मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। मैं अपनी यूनियन काउंसिल नला मुसलमाना के तमाम भाइयों से भी यही गुजारिश करूंगा, हमने अभी तक किसी से कोई खास मशावरत नहीं की, दो चार अपने जो अजीज दोस्त से उनसे बात की है, लेकिन जिधर भी बात करें सबसे पहले ये बात होती है पहले अपना घर उसके बाद बाहर की बात। कोशिश यही होगी राजा नदीम साहब को अपनी यूनियन काउंसिल से इस इलाके से और शौकत महमूद भट्टी से भरपूर तरीके से कामयाब करें।